तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक न्यू ब्लॉग में। तो आज मैं आया हूँ मुलुंड ईस्ट में। एक बहुत बड़ा गार्डन है, मतलब बहुत फेमस गार्डन है मुलुंड का, जो आसपास लोग रहते हैं यहाँ पे जॉगिंग करते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टैचू बनाए गए हैं। इस गार्डन का नाम है देशमुख गार्डन। एक किसी नेता के ऊपर गार्डन बनाया गया है, किसी नेता ने बनाया है। देख सकते हो ब्यूटीफुल सा व्यू है बारिश के मौसम में, तो भाई और देख सकते हो हरे भरे चारों तरफ हो चुके हैं मेरे। चलो ब्लॉग देखो अंत तक, ब्लॉग पसंद है तो लाइक करके जरूर करो। यहाँ पर आप आके फोटो भी खिंचवा सकते हो, फोटो शूट भी कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, जो आपको अच्छे अच्छे कंटेंट वीडियो बनाना है। तो देख सकते हो कितने हरे भरे हैं पीछे नीचे, मतलब ग्रास है जो देख सकते हो, एकदम ग्रीनरी, चारों तरफ पेड़ पालो हैं और ब्यूटीफुल सा, मतलब जो बर्ड का आवाज़ आ रही है बड़ा कमाल कर रहा है, शांति है। और जस्ट मेरे सामने रोड है, थोड़ा मोड़ा शोर है और कुछ नहीं, पर अंदर जाओ इतना बिल्कुल भी शोर नहीं दिखेगा आपको। तो चलते अंदर का भी दिखाएंगे, तो इधर का दिखा सकते हैं। जैसे लग रहा है कि शादी का मंडप बनाया नहीं गया है, उसी तरह मतलब ये सब बनाया गया है। देखो बीच बीच में, देखो मैं इस पर चल रहा हूँ, अभी धस रहा है यार, किलो पानी बारिश हुआ है ना, इसके लिए कीचड़ हो गया है ना, इसके लिए नहीं दिख रहा आपको। देख सकते हो कितना कमाल का व्यू है यार ये सब। ये देख लो उसका मेन एंट्री गेट उधर ही है। तो कितनी पब्लिक लोग आते हैं यहाँ, कपल्स लोग, फैमिली वाले लोग, बच्चे लोग बहुत लोग आते हैं। शाम के टाइम तो और पूरा भर जाता होगा ये तो। मेरी पहली बार ही आया हूँ यहाँ पर, चलो देखते हैं अंदर क्या है। और कटिंग के जो ग्रास किए गए हैं ना यार कमाल, देखो वहाँ पे देखो कितने डिजाइनिंग की तरह एकदम काटे पूरा ग्रास काटे यार। ये देखो मस्त भाई बनाया है सर। ये देखो कितना मस्त ग्रास काटा गया एकदम डिजाइनिंग की तरह, जैसे लग रहा है कि चारों तरफ, जैसे बोलते हैं ना शादी में देखते नहीं हो मंडप का सजा रहा था, बीच में रास्ता रहता है स्टेज पे आने के लिए, वैसे फील हो रहा है पूरा। मगर बड़ा नेचुरल है यार ये सब, अच्छा लग रहा है देखने में। ये देखो बीच का पूरा एकदम बनाया गया एकदम बैठने के लिए, यहाँ पर ऊपर स्टेज लाइट लगाया गया है। ये देखो है, मतलब बड़ा गार्डन है। इससे मैं बड़े बड़े गार्डन में गया हूँ ऑलरेडी, मैंने वीडियो बहुत सारा बना चुका हूँ, तो जाके देख सकते हो मेरे चैनल पे। तो बीच में लाइट बनाया गया है, ऊपर से फुहारा ऐसा पानी गिरेगा, बस रात के टाइम पे लाइट जलेगा। ग्रास की कटिंग तो देखो कितना मस्त है, इधर भी देख सकते हो। यहाँ पर टोटल साइज दो गेट है, एक उधर एक इधर वाला गेट है। मस्त गार्डन है यार, एकदम ब्यूटीफुल सा है। इधर देख लो कितना हरा भरा यार चारों तरफ, और मस्त ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। ऊपर से क्या बारिश का मौसम भी मुंबई में, ऊपर से पूरा एकदम बदरी हुआ है, पूरा बादल छाए हुए हैं क्लाउड। और डस्टबिन देखो चिड़िया की तरह बनाया गया है, इसका मुख लाया है, कचरा डाल सकते हो और कहीं गंदगी मत करो। बस डिसेंट प्लेस है, एकदम शांति है यार यहाँ पे। ये देखो यार कितने कमाल कमाल के बनाए गए हैं यहाँ पर, और देखने में अच्छा भी लग रहा है। इधर देखो यहाँ के देखो पत्थर, देखो कितना कटिंग किया गया डिजाइनिंग सा। और इधर देखो यार कितना ब्यूटीफुल सा है, अंदर पानी है, ऊपर पहाड़ जैसा कुछ बनाया गया है, ऐसे किला टापू जैसा कुछ बनाया गया है। ये देखो देखे कितना मस्त है यार। मस्त खूबसूरत जैसा बनाया गया है गार्डन यार, देख सकते हो। इससे मैंने बड़े बड़े गार्डन देखे हैं और बड़े बड़े गार्डन में गया भी हूँ ऑलरेडी, मैंने इसका वीडियो बहुत सारा बना चुका, तो मैं चल जाके देख सकते हो। तो देख सकते हो यार, जो मतलब बारिश का मौसम है और ऊपर से यार हरा भरा हो चुका है चारों तरफ, देख रहे हो। और जो चारों तरफ जो ग्रीनरी ग्रास यार कमाल का दिख रहा है, सही बोलता है, सोचता यार बस यहीं बैठ जाओ शांति से। यहाँ कपल्स लोग भी आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, झाड़ियाँ बहुत सारे ऐसी अंदर पीछे घुसे रहते हैं, मज़े करते हैं। आपको यहाँ पर आना था मुलुंड से ईस्ट में, सिर्फ 2-5 मिनट लगेगा चल के आने में, यहाँ पे सीधा आ सकते हो आप लोग, नहीं तो आप गाने का नाम भी सर्च कर लेना, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा एड्रेस दे दूँगा। यहाँ पर आके इन्जॉयमेंट कर सकते हो, कपल्स लोग, फैमिली वाले लोग, बच्चे लोग,
आ सकते हो, इन्जॉयमेंट कर सकते हो। मुलुंड में आपको घर लेना तो ले सकते हो बिंदास, थोड़ा महंगा पड़ेगा, मगर गार्डन वार्डन आपको अच्छा प्लेस मिलेगा यहाँ पर, और ऊपर शांति और डिसेंट प्लेस है सर। यहाँ पर आप एक शॉर्ट वीडियो और रील्स भी बना सकते हो, नहीं तो एक छोटी सी मूवी बना सकते हो, शॉर्ट्स मूवी। जो कमाल के यहाँ पे व्यू है ना यार, एकदम ब्यूटीफुल सा है, और देख सकते हो जो ये सब जितने मतलब पत्थर जो है कटिंग किए गए हैं, एकदम कमाल के लग रहे हैं यार। तो यहाँ पे लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं। मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं आया था इसी बात में, मुलुंड में बहुत बार आया हूँ, मेरे गार्डन को मैं कभी आज तक कभी देखा नहीं हूँ। आज मैं पहली बार रास्ते से गुजर रहा था यार, बोला यार क्या इतना बड़ा गार्डन है, पब्लिक बहुत अंदर क्या हो रहा है, जाके देखा तो भाई गार्डन था, हमें अच्छा लगा, हमने सोचा कि भाई आप लोग के लिए एक छोटा सा ब्लॉग बनाया जाए और आप लोग को दिखाया जाए। तो देख सकते हो मैंने पूरा वहाँ से घूमते फिरते, बहुत सारे यहाँ पे रास्ते हैं आगे पीछे नीचे ऊपर तक, तो बैठने के लिए बहुत सारे ऐसे प्लेस बनाए गए हैं, यहाँ पर आप आके घूम सकते हो। देख सकते हो यहाँ पे जो ग्रास जो कटिंग किए गए ब्यूटीफुल से, इधर भी कटिंग किए गए हैं, ये सब क्या बनाया जाता है ग्रास को कटिंग कर करके, नहीं तो क्या है कि नहीं तो आगे पीछे कहीं भी इसका पत्ता निकल जाएगा। देख रहे हो ना, हाँ थोड़ा सा लंबा वीडियो हो सकता है, इसके लिए मुझे माफ़ करना, नहीं तो आप कुछ को कुछ आप तो देख रहे हो ना, अच्छा चीज़ें, गलत चीज़ें नहीं देख रहे हो। इंजॉय करो यार आप लोग भी। इधर देखो यार कितना ब्यूटीफुल सा अलग अलग कलर के ग्रास है यहाँ पे, जो बैठने के लिए बनाया गया है, जैसे पिक्चर में देखते ना कॉलेज स्टूडेंट लोग जो बैठते हैं वैसा बनाया गया है। देखो इधर ही बैठने के लिए बनाया गया, बारिश वरिश हो तो आप यहाँ पर आराम कर सकते हो, स्लीपिंग कर सकते हो, सो सकते हो। जो लोग यहाँ पे काम करते हैं अगल बगल वाले लोग यहाँ पे आते हैं, खाना खाते हैं, स्लीपिंग करते हैं और इंजॉयमेंट करते हैं। जॉगिंग करने के लिए बहुत सारे देखो यहाँ पे बनाए गए हैं, वहाँ बच्चे लोग के लिए स्लाइड है, झूले हैं बहुत सारे, जो छोटे छोटे बच्चे इंजॉयमेंट कर सकते हैं यहाँ पर आके। ये देखो यहाँ पे गाड़ी चलाने वाला सीख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो अपना जिम कर सकते हो, फ्री वाला है, ये सब बनाए गए हैं। यहाँ पे देख सकते हो यार कितना मस्त है यार बच्चे लोग के लिए, और बीच बीच में ऐसा टेबल कुर्सी ऐसा बना दिया गया है जो आप बैठ सकते हो। संगीत के लिए स्टैचू बनाया गया है, तबला बनाया गया है, डमरू बनाया गया है, ऊपर देखो छोटा सा पियानो ऐसा कुछ बनाया गया है स्टैचू, देख सकते हो कमाल के यार व्यू है। मैं इधर से खींचा अंदर कौन जाए, पूरा किचड़ है ना इसके रहने, तो अंदर जाके आपको दिखाता था, इधर भी देख ही सकते हो, जूम करके आपको दिखा रहा हूँ, इधर भी देख सकते हो बस वाटरफॉल जो होता है, ऊपर पानी गिरता नहीं, नीचे से लाइट लगाया गया है, देखते कुछ है कि नहीं नीचे, उसे कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा खाली दिख रहा है। इधर देखो यार, इधर से देखो तबला वबला कैसे बनाया गया, एकदम मस्त ब्यूटीफुल सा है। ऐसे बहुत सारे देखो उधर पे, देखो उधर भी बैठ सकते हैं, क्योंकि बारिश जो बारिश होगा कुछ भी होगा वहाँ बैठ सकते हो आप लोग, ऐसा बनाया गया पूरा ब्यूटीफुल सा। ये देखो ये है सुपारी के पेड़ जो देख रहे हो, नारी की तरह दिखते मगर इस पूरा सुपारी इस पर फरता है, अब फराग नहीं पड़ा मुझे नहीं मालूम भाई। मस्त मौसम यार, ऊपर से हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, देख ही रहे हो आप लोग। तो आज के लिए ब्लॉग इतना ही, ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करके जरूर करना, कैसा लगा आपको गार्डन। अब मुंबई में रहते हो तो मुलुंड में आके आप इंजॉयमेंट कर सकते हो, तो मुलुंड में आप कुछ काम करते हो जॉब करते हो तो गार्डन आपको नहीं मालूम रहेगा, तो मैं एड्रेस डाल दूंगा, तो नियर बाय स्टेशन के बगल में ही है, तो आप आकर यहाँ पे इंजॉयमेंट कर सकते हो। ब्यूटीफुल सा गार्डन यार, में यहाँ पे बहुत सारे कपल्स भी आते हैं, बहुत सारे फैमिली वाले बच्चे लोग भी आते हैं खेलने कूदने के लिए, तो देख सकते हो कितनी मैं वीडियो बना रहा हूँ, कितनी लड़कियाँ लोग देख रही है, चले जा रही है, छोड़ो जान दे। और आज के लिए इतना ही, आप अपना ख्याल रखो।